तो दिल्ली के अंदर इन्होंने ध्यान नहीं दिया, चोरों को चोरों के हवाले छोड़ दिया कि भाई चोरी करो तुम यहाँ करो, और वो बाहर घूम रहे हैं कि यानी कि उनके पास जो है ऐसी वॉशिंग मशीन है कि उनके पास जाते धुल जाए और बाकी जो है सब गुनहगार हों। वो लोग नहीं चाह रहे हैं दिल्ली का विकास हो, वो लोग ये बीजेपी वाले ये नहीं चाह रहे हैं कि दिल्ली के लोगों का विकास हो और दिल्ली डेवलप। और किस तरह जो है ये बदल के उधर गया है तो ये लोग जानते हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो अच्छी तरह जानते हैं, और मेरे ख्याल से आप भी जानती हैं कि भाई क्या क्या किया है और क्या हो सकता था। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लीडिंग भारत में, और मैं हूं आपके साथ कशिश पांडे। तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं यानी कि सीएम केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, वो इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है। कल यानी कि 19 तारीख को उनकी न्यायिक हिरासत जो थी वो खत्म होने वाली थी, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 3 जुलाई तक कर दिया है। और आज उनकी जमानत पर सुनवाई होने वाली थी कि उनके तरफ से ये अर्जी डाली गई थी कि उनकी तबीयत खराब है जिस वजह से उनको जमानत चाहिए। तो इस पर हम दिल्ली की जनता से जानते हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल को बाहर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। सर, आपको क्या लगता है, क्यों नहीं बाहर आना चाहिए? अधिकार तो सबको है, कानून सबके लिए है, एक जैसा कानून है। अब ये थोड़ी ना है बीजेपी के लोग बाहर हैं, जो देशद्रोही हैं बीजेपी की पार्टी में, कितने सारे जो ना जाने कितने 34-35 लोग हैं जिनके पे इस तरह के क्रिमिनल ऑफेंसेस लगे हुए हैं और वो बाहर घूम रहे हैं, क्या यानी कि उनके पास जो है ऐसी वॉशिंग मशीन है कि उनके पास जाते धुल जाए और बाकी जो है सब गुनहगार हों। लेकिन केजरीवाल का नाम तो शराब घोटाले में आ रखा है, और अभी लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने भ्रष्टाचारियों का साथ दिया था, इस वजह से भी तो वो हो सकता है। ऐसा है जी, मेरी बात सुनिए। सबसे पहली बात तो यह है कि जो अपोजिशन में है, जो लोग बैठे हुए हैं, चाहे उसके अंदर केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी हो, या दूसरे जो लोग भी हो, यानी कि बीजेपी के खिलाफ जो भी जाएगा उनके साथ वही होता है जो एक दुश्मन के साथ किया जाता है। तो ये लोग बदले की राजनीति है, वो लोग नहीं चाह रहे हैं दिल्ली का विकास हो, वो लोग ये बीजेपी वाले ये नहीं चाह रहे हैं कि दिल्ली के लोगों का विकास हो और दिल्ली डेवलप हो। तो ये लोग उस डेवलपमेंट को रोकना चाहते हैं और दिल्ली के विकास को रोकना चाहते हैं, दिल्ली के लोगों को जो हित में काम हो रहा है उसको रोकना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि केजरीवाल दिल्ली का विकास पूरा कर रहे हैं? बिल्कुल जी, हम दिल्ली के वोटर हैं और हमें पता है दिल्ली में विकास किस तरह हो रहा है, 100% सही हो रहा है। लेकिन अभी लोकसभा चुनाव में तो 7 की 7 सीटें बीजेपी को मिली है, आपको एक भी सीट नहीं मिली, उस पर आप क्या बोलेंगे कि विधानसभा में भी कुछ ऐसा होने वाला है कि केजरीवाल का चेहरा वही सीएम बनने वाला है या कोई और बनने वाला है? ऐसा है जी, संयम भय गोतवाल तो डर काहे का। अब ये इन लोगों की मोनोपोली ये थी कि भाई छोटे राज्यों में जो सीटें हैं, जैसे 7 सीटें हमारी दिल्ली के अंदर थी, तो दिल्ली के अंदर इन्होंने ध्यान नहीं दिया, चोरों को चोरों के हवाले छोड़ दिया कि भाई चोरी करो तुम यहाँ करो। इन्होंने ध्यान नहीं दिया बड़े राज्यों में रहे, जैसे यूपी रहे, मध्य प्रदेश रहे या दूसरे राज्यों में रहे, तो वहाँ पे आपका कहने का मतलब है यहाँ पे ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है? बिल्कुल 100% हुई है, छेड़छाड़ किया इन्होंने, बदला है ईवीएम को। तो इन लोगों का तो यहाँ पे भारी जो तादाद में जो वोटिंग हुई थी वो आपको हुई थी, आपका ये कहना है? 100% सही बात है ये, जो लोग बुद्धिजीवी हैं उन इन चीज़ों को जानते हैं, और जो लोग पढ़े लिखे हैं इन चीज़ों को जानते हैं कि वोट जो है कहाँ पड़ा और किस तरह पड़ा है और किस तरह जो है ये बदल के उधर गया है। तो ये लोग जानते हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो अच्छी तरह जानते हैं, और मेरे ख्याल से आप भी जानती हैं कि भाई क्या क्या किया है और क्या हो सकता था। नहीं, हमें तो अभी इतना नहीं पता कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई थी, क्योंकि ईवीएम की सारी वो चेक हुआ है कि ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। अभी तो कोर्ट में भी मामला चल रहा है, इसका कोर्ट के अंदर भी मामला चल रहा है, जब आएगा तो स्पष्ट रूप में क्लियर हो जाएगा। अभी अखिलेश यादव का भी एक बयान आया था कि भारतीय जनता पार्टी ईवीएम बदलने की क्यों नहीं वो कर रही है, वो ईवीएम पे ही चुनाव लड़ने के लिए क्यों बोल रही है, उस पर आप क्या बोल रहे हैं? ये तो शुरू से ही है, आज से थोड़ी ना है कि ना जाने कब से, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है और जब से 400 पार के नारे लगाए, तब से इन्होंने यूपी के अंदर और स्टेटों में जहाँ पे इनकी कम मात्रा में सीटें आई हैं तो वहाँ पे इनकी रस्सी खींच दी रही अच्छी तरह दूसरी अपोजिशन ने, और यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, तो इस वजह से दिल्ली की जो 700 सीटें इनके एवज में इनकी तरफ पड़ी है। क्या मनोज कुमार आज तक कोई सा मनोज कुमार जी काम बता दे अपना कि कोई काम किया है बुराड़ी के अंदर? लोगों ने औरतों ने चप्पलें मारी, उनको क्यों मारी है, उनके सभाओं में जा के चप्पलें मारी क्यों मारी, कोई तो वजह होगी। तो कन्हैया कुमार को भी तो थप्पड़ पड़ा था? थप्पड़ पड़ा था तो वो तो राजनीति है ना, वो तो राजनीति है, वही बंदा यूपी के अंदर जो अयोध्या में उन्होंने अयोध्या वासियों को गालियां बकी, तो जेल में है तो सही, गलत कौन है, वो है ये है गलत। अभी तो इनका मामला कोर्ट में चल रहा है, वो तो जेल में गया ना सीधा, तो आप इसे अंदाजा लगा लीजिए, इसी चीज से अंदाजा लगे कि सही कौन है और गलत के साथ गलत होता है, सही के साथ सही होता है। जो गलत है इस वक्त वो जेल में है, हम तो यही बोलेंगे, आपको क्या लगता है? बता दिया उनको। चलिए, अब इनका तो साफ सीधा ये कहना था कि दिल्ली में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है, क्योंकि यहाँ पे पूरी जो इनका मानना था कि जो वोटिंग हुई है वो केजरीवाल को हुई है, और यहाँ पे बीजेपी ने ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की है। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा।